लिम्रा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज़। बहुत ही आदर व सम्मान के योग पूरे हिंदुस्तान के किसान ज्ञान की बान हमारे बीच में पहुंचे पूर्व गवर्नर सतपाल सिंह मलिक जी, हमारे किसानों के नाम अपना पूरा जीवन देने वाले किसान मसीहा कहे जाने वाले गांव और देहात किसान चौधरी चरण सिंह जी का दूसरा स्वरूप हमारे बीच में जैन चौधरी पहुंचे हैं, उनका तालियों से स्वागत किया जाए। हरियाणा प्रदेश की धरती पर चौधरी चरण सिंह जी का स्वरूप हमारे बीच में आया है और हमारे बीच में किसान और मजदूर का जो गठजोड़ रहा है शुरू से, हमारे कमेरे वर्ग का प्रतीक हमारे बीच में आम गरीब की देहात की आवाज बुलंद करने वाले चंद्रशेखर रावण जी हमारे बीच में हैं, उनका भी तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारे बीच में बजरंग पुनिया बेटा पहुंचा है, आज का ये जन सैलाब इस बात को बता रहा है। पत्रकार पूछ रहे थे कि जो खिलाड़ी हैं वो संसद की तरफ क्यों जा रहे थे, हिंदुस्तान का लोकतंत्र मारा जा रहा है इसलिए खिलाड़ी संसद की तरफ जा रहे थे। गांव की देहात की जवान की किसान की महिलाओं की खिलाड़ियों की अधिकारियों की मजदूरों की आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए आज का ये जन सैलाब इस बात का सबूत है कि आने वाला जो समय होगा वो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार का होगा, ना कि इन लुटेरे लोगों का होगा जो धोखे से हरियाणा प्रदेश में पूरे भारत वर्ष का सबसे कमजोर व्यक्ति को सत्ता दी गई है। मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि ब्रजभूषण ने संतों का नाम लेकर एक रैली रखने का काम किया था, आप इस बात से स्पष्ट मान लो कि मैं काशी में कबीर जी की गद्दी से महामंडलेश्वर का पद मेरे पास है और सारे संतों की तरफ से आह्वान करता हूं, जो गुंडा हो, जो अत्याचारी हो, जो बेटी और बहन का ना हो, उसका कोई नहीं हो सकता है और कोई संत उसके साथ नहीं है। आज इस मुंडलाना की पवित्र धरती से ऐलान हो गया है और आने वाला समय ये बताएगा 2024 में इस हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से अत्याचारियों की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। आप सारे लोग आह्वान करो, इनका समर्थन करो, सहयोग करो और मेरा ये मानना है कि आज का जो फैसला होगा हमारी जनता कल्याण मोर्चा पार्टी पूरा संत समाज पूरा किसान समाज और देशवाल खाप पूरी तरह से आपके साथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।